भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज झारखंड के देवघर पहुंचे, जहां उनके स्वागत में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, संथाल परगना आयुक्त अरविंद कुमार, संथाल परगना पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त नैन्सी सहाय, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देवघर एयरपोर्ट से निकलकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। बाबा के दरबार में राष्ट्रपति का स्वागत शंखनाद से किया गया। बाबा बैद्यनाथ की विशेष पूजा को लेकर पुरोहितों द्वारा राष्ट्रपति को षोडशोपचार विधि से पूजा कराई गई। आपको बता दें कि देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर आने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इनसे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं प्रणब मुखर्जी का दो बार आगमन बतौर राष्ट्रपति हुआ था। इधर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन काफी चौकस दिखी।